2019 के जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के किस तरीके से दीवालों में पेंटिंग की गई है ये हम दिखाना चाहते हैं आपको। गुरु शिष्य परंपरा की वो सारी झांकियां प्रस्तुतीकरण की गई है जिससे लोग गुरु शिष्य परंपरा को भली भांति समझ सकें और ये भी देख सके कि किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा का शिष्य निर्वहन करता है। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को किस तरीके से लोग देख रहे हैं हमारे साथ वाराणसी के एक व्यक्ति हैं, हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र विश्वकर्मा। राजेंद्र जी, जो दीवार पे पेंटिंगें हो रही हैं कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो बहुत सुंदर है, काशी के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इतनी अच्छी चीज है कि जिसकी शुरुआत वाराणसी स्मार्ट सिटी में बड़े लाभदायक और बड़े ही बेहतरीन प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे अच्छी चीज है। जिस तरीके से लोग इन सारी कलाकृतियों को देख करके बड़े ही खुश हैं और बड़े ही अच्छे से सारी कलाकृतियों को देख रहे हैं, वही प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के केंद्र और राज्य की सरकार पूरी कमर कर चुकी है। अमित दत्ता, ईटीवी, वाराणसी।